जी देखिए, ये जो मूवी बनी है इसका बैनर है फाइन स्टूडियोज़। फाइन स्टूडियोज़ में ये हमारी 7th या 8th मूवी होगी, जिसमें से हमने मैक्सिमम मूवीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाके शूट किए। बिकॉज ऑफ रबेका वी हैव बीन शूटिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैकेनिक दादा का ऐसा हुआ कि वहाँ के एक राइटर हैं, हमारे अंकल हैं, इज़ 82 ईयर्स ओल्ड, उनका नाम है हेक्षेत सेमा। तो वो बहुत पैशनेट है अबाउट राइटिंग, तो जब उनसे बात हुआ तो बोले हमारा स्क्रिप्ट रेडी है, बट वहाँ पे दे डिडंट नो हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट। उन्होंने एक स्टोरी दे दिया था मुझे 5-6 पेज का, तो मेरी टीम ने वहाँ जाके एक दिन में उसको स्क्रीन प्ले में और डायलॉग में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद जितने भी एक्टर्स थे वो पूरे नागालैंड से ही थे, नागालैंड और आसाम से ही थे, और कुछ बाहर के भी थे, लेकिन दे आर ऑल बेस्ड इन नागालैंड। तो वो टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद जो सिंगर हैं, सिंगर एन के नागा, जो गाना आपने अभी देखा वो एन के नागा हैं, वो सिंगर भी नागालैंड के हैं। तो इस तरीके से एक नागालैंड को प्रमोट करने के विचार से हम लोग ने ये फिल्म बनाई। ये गाने जो भी है, ये मूवी एक बहुत लिमिटेड बजट में बनाई हुई है, लेकिन हमने क्या ड्रोन वगैरह का यूज़ किया, जो एक नॉर्मल आजकल हर आदमी यूज़ करता है। तो ये जो गाना था वो पूरा मैक्सिमम पार्ट जो है आसाम में शूट हुआ है। पूरी मूवी जो है नागालैंड में हुई है, लेकिन जस्ट ये गाना जो है ये आसाम में हमने शूट किया है। ऑब्वियसली कोई भी फिल्म मेकर्स के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। यह तो सब स्पेशली ये क्रेडिट डायरेक्टर साहब शिराज अहमद को जाते हैं, एंड एंड जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा हम लोग को अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो इट्स सीरियसली फीलिंग रियली प्राउड के जो मैं जैसे बताया, हमने पहली मूवी की थी TMO, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, वो हमने मेघालय में शूट की थी, शिलोंग और चेरापूंजी में किया था और गुवाहाटी में किया था। तो वो एरिया तो टेरेन तो बहुत सुंदर है अपना चेरापूंजी और इसका, और मैम जो है वो नागालैंड से हैं। सेकेंड मूवी हमारी लिटिल बॉय थी जो नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हमने शूट किया था अरुणाचल प्रदेश में। तो बार बार ये हो रहा था कि हम पूरे जगह शूट कर रहे हैं पर मैडम नागालैंड की, और हम नागालैंड को ही एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि चलो वहीं के आर्टिस्ट लेके हम, क्योंकि नागालैंड भी पूरा बहुत ब्यूटीफुल है, वेरियस लोकेशंस आर देयर, वहाँ पे मोकोकचोंग है और ये सब बहुत सी जगह हैं। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना एक पिक्चर हम नागालैंड में शूट करें। मूवी है ना, ये आपको नटशेल में बोलता हूँ, एक मैकेनिक की कहानी है, और वो मैकेनिक जो है वो एक बाइक का टेस्ट करते समय उसकी टांगें वो हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उसको टांग डॉक्टर बोलता है उसको एम्पिट्यूट करना पड़ेगा। जब वो लंगड़ा हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसकी जो वाइफ है वो कुछ और रीज़न से वो उसको छोड़ के चले जाती है। अब वो उसको ढूंढते ढूंढते वो एक प्रकार से भिखारी बन जाता है, लेकिन वो भीख नहीं मांगता, लोग उसको हेल्प करते हैं, पर जिस हालत में घूम रहा है ये हो रहा, तो लोग उसको हेल्प करने लगते हैं, तो काम करना बंद हो जाता है। तब उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जो अपना साइकिल के चेन ठीक करते रहता है। तो वो अपने झोपड़ी में बैठे हो रहा है, तो उसको बुला के बोलता है ला मैं तेरी साइकिल बना देता हूँ। तो वहाँ से एक बच्चे की और उसकी बॉन्डिंग है पिक्चर में, जो सेकेंड हाफ है वो बॉन्डिंग है। तो वो उसको इंजीनियर दादा बोलता है और ये उसको बेटा दोस्त बोलता है, तो एक बॉन्डिंग है। तो जब इंजीनियर दादा लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने पिक्चर का नाम मैकेनिक दादा कर दिया। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद 2007, जब मैं पहली बार मुंबई आई थी। यहाँ आने के बाद में एक तो बहुत ही कल्चर एकदम शॉक था, एंड एंड आई हैड सम फ्यू फ्रेंड्स हु हैड सजेस्टेड मी टू गो टू खंडाला। तो when I went there, I was so shocked कि अच्छा खंडाला कहाँ, क्या है यहाँ, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। आई सेड यू कम टू नागालैंड टू नॉर्थ ईस्ट, हम लोग अपना खिड़की भी खोल देना तो ऐसे ही नज़ारा मिलते हैं हम लोग को। सो द आइडिया स्टार्टेड फ्रॉम देयर, सो द स्ट्रगल फ्रॉम देयर टू हियर, इट हैज़ हमंग का सब चेंजेस ऑब्वियसली, अब पहले जैसे नहीं रहा। आई मीन स्ट्रगल टू प्रोमोट माई सेल्फ, माई पीपल, माई कल्चर, माई रीजन, अभी 10 साल पहले और अभी का इट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट। पहले आई थिंक कास्टिंग में भी दिवत से कि चिंकी लुक्स चाहिए या नेपाली लुक्स चाहिए, अब वो नहीं रहा। अब लोगों को थोड़ा समझ में आ गया है, अब लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, क्योंकि दे गो टू नॉर्थ ईस्ट हैज़ अ होलीडे और मे बी टू शूट, यू नो मैनी मूवीज़ आर शूटिंग देयर, मैनी आर्टिस्ट आर कमिंग हैज़ अ यू नो हैज़ अ लीड ऑल्सो एट देयर मूवीज़ आर डूइंग गुड। सो अभी भी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर व्हेनेवर दे आस्क्ड मी, दे विल से कि एशियन लुक्स चाहिए,
सो वो अब वो डिफरेंसेस मैंने देखा भी है एंड थिंग्स आर रियली यू नो लाइक वेरी इंकरेजिंग नाउ दिस डेज. और अभी शिराजी से हम लोग साथ में इतना साल से साथ में काम करिए तो हम लोग का एक ही मतलब ऑल द ग्लोरी टू हिम. एक ही चीज़ मेरा एक ही फोकस है कि जितना भी वट एवर लिटल कंट्रीब्यूशन हम लोग का तरफ से, ज़्यादा तो हम लोग इतना बड़ा बजट का तो नहीं कर सकते, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एशेस यू नो फ्रॉम द क्रस्ट लेवल टू प्रोमोट ईच एंड एवरी यू नो नॉट ओनली हैज एन एक्टर नॉट ओनली हैज एन डायरेक्टर बट फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम द एक्टर फ्रॉम द डायरेक्टर. वर्कशॉप स्टार्ट किए हम लोग ने नागालैंड में, हर साल वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्ट करते हैं उन लोग को हैज एन आर्टिस्ट हैज एन राइटर हैज अ यू नो हैज अ डायरेक्टर उन लोग को ट्रेन करने के बाद ये मूवी बनाया है. एंड यहाँ में भी बहुत सारे चेंजेस इवन इन बॉलीवुड नाउ एट अ मोमेंट आई कैन सी सो मेनी गुड आर्टिस्ट आर कमिंग अप फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. एक सवाल हमारा है, कुछ साल लगभग 15 साल पहले एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस जिसे कोई जानता नहीं था वो वहाँ आती है और वहाँ बोलता अच्छा मेहमान हो हमारी. तो शी फील्ड वेरी शॉक, वो कहती है कि वो अपने ही देश में हम मेहमान हैं. लेकिन अब वो ट्रेंड बदलते जा रहा है, शायद आपका प्रयास इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्रयास. सी आई थिंक मेरी वन ऑफ दी मूवी शूटिंग में पहले मुझे बहुत ऑड लगती थी, आजकल नहीं लगती हूँ बिकॉज गलती उन लोग का नहीं है, दे आर नॉट बीन एजुकेटेड यू नो. उन लोग को उन लोग ने कभी ना सुना ढंग से. तो आजकल मैं क्या करती हूँ शूटिंग में, आई वॉज अ प्रोड्यूसर सो डेफिनेटली स्पॉट दादा एंड ऑल एवरीबडी वॉज यू नो कमिंग विद चाय एंड ऑल, बट देन आई वॉज वर्किंग अलॉन्ग विद दैम. सो वन ऑफ द दादा केम एंड ही वॉज आस्किंग मी आप कहाँ से हो, चाइना से हो, बैंकॉक से हो, हांगकॉन्ग से हो. सो वॉट आई डिड अले एक कटिंग चाय पीते दादा साथ में पीते हैं और साथ में बैठ जाते हैं. आई मेट इंडिया मैप हाथ से नीचे, बोले ये छोटा सा जो समोसा जैसे देखते हो ना ये नॉर्थ ईस्ट है. इट इज़ आवर ड्यूटी नाउ टू एक्सप्लेन दैम. उसमें अभी आई मीन पहले थोड़ा बहुत और थोड़ा गुस्सा भी आती थी यार आपने ही इंडिया में, बिकॉज स्पेशली फॉर मी आई कम फ्रॉम माई आर्मी फैमिली यू नो माई एंटायर थिंग माई ग्रैंड फादर माई फादर नाउ माई फादर इन लॉ माई हस्बैंड. इमेजिन दिस सेक्रीफाइस माई फादर फॉर दो द वार आई मीन फॉर द कंट्री ही हैज़ ऑलरेडी सेक्रीफाइस सो मच एंड कमिंग बैक हियर लोग आई मीन चेकिंग माई आइडेंटिटी माई नेशनलिटी यू नो दैट साउंड्स लिटल ऑकवर्ड राइट. बट आप मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना. आई वॉन्ट टू वेलकम दैम एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव नॉट ओनली नॉर्थ ईस्टर्न. आई कैन सी द रेसिस हैपन्स एवरीवेयर, इट कुड हैपन विद इवन विद पंजाबी इवन विद साउथ इंडियन. सो इट इज़ नाउ आवर ड्यूटी टू एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को प्यार से. मे बी विद एज I'm becoming more wiser, but these days I don't feel bad and I can see humongous of changes now that people are recognizing, you know, ki this. देखिए अभी तक हमारे जो है ना इस फिल्म को अराउंड 25 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें से 10 जो हैं ऑफलाइन फेस्टिवल्स हैं. ऑनलाइन फेस्टिवल्स तो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता बिकॉज आज बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स आज मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, बट ये जो 10 फिल्म फेस्टिवल जो आपके जो ऑफलाइन फेस्टिवल्स हैं उसमें ये अवार्ड मिला है. किसी में कुछ बेस्ट स्टोरी का मिला है, किसी में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का मिला है, किसी में बेस्ट डायरेक्शन का मिला है. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और अभी चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का मिला, उसके पहले कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एवरेस्ट फिल्म फेस्टिवल, फिर आपका बेहाला में कलकत्ता में दो जिफ़ा करके होता है. तो ये सब में जो ऑफलाइन फेस्टिवल्स होते हैं जो प्रॉपर फेस्टिवल होते हैं उसमें करीब 10 से 12 फेस्टिवल्स हमको मिला है. और इसका जो प्रीमियर हमने किया था लास्ट ईयर नागालैंड में, हम लोग ने ही कंडक्ट कराया था फाइन स्टूडियोज़ ने अलॉन्ग विथ NFDC एंड मिनिस्ट्री ऑफ INB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलके, और जो गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड DIPR डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड, इनके साथ मिलके हमने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बहुत बड़े लेवल में. वहाँ पे हमने इसका प्रीमियर रखा था क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजर्स थे तो वी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द फिल्म फेस्टिवल, पर वहाँ हमने इस पिक्चर का प्रीमियर किया था. और इस साल जो नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है आपका मार्च में, जहाँ पर
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए था, आपका NFDC कॉम्प्लेक्स पेडर रोड में जी। तो उसमें हमारी पिक्चर जो है वो आई थी, तो वो ऑफिशियल सिलेक्शन का उसको अवार्ड मिला। तो इस तरीके से अवार्ड्स, और मेन चीज़ क्या है कि मूवी जो है एक सिंपल सी स्टोरी, एक ड्रामा है, एक इमोशन है बच्चे के और एक मैकेनिक के बीच की, एक इमोशन बहुत बड़े लेविश है, उस स्केल की पिक्चर नहीं। तो इस टाइप की जो मूवीज़ हैं ये फेस्टिवल्स में बहुत अप्रिशिएट की जाती है। सर देखिए, ये तो मतलब एक अलग टॉपिक है, बट जो मूवीज़ से अगर हम देखें तो जैसे हमारा जो फ्रेंड है जो हमारी पिक्चर में काम किया था, चूजो जकॉय, उसने फोर्स टू में काम किया, उसने हैप्पी फिर भाग जाएगी उसमें काम किया, उसने साहो में काम किया, उसने सब बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया एज ए विलन। तो उसका जो लुक है, अभी आप डैनी साहब को देखिए, वो भी सिक्किम से हैं, तो वो लुक जहाँ पे एक रेगुलर लुक नहीं रहता है, मंगोलियन लुक है, तो उसके लाइक जो कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उस हिसाब से उनको काम मिला जाता है। अभी अनेक फिल्म जो बनी थी उसमें वहाँ की एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो आप देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी इंडिया का भाग है, साउथ इंडिया वो भी इंडिया का भाग है। तो एक लोगों का एक मन में है कि वो सब चिंकी लुक बोलते हैं, या वो एक्चुअली मंगोलियन लुक बोलना चाहिए, तो वो कोई इनको जानकारी की कमी है। आप रास्ते में जाएंगे, एक ड्राइवर है उसको क्या मालूम है, उसको तो बॉम्बे मालूम है, वो बड़ी बात है। तो हम एक जनरलाइज वे में हम इसको ये नहीं कैटेगराइज नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फिल्म मेकिंग की, और तब से वहाँ, इवन अगर हिंदी प्रोजेक्ट है तो वहाँ के सिंगर्स, आलोक नागा बहुत रेनाउंड सिंगर है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड अपने शोज करता है, उसको रबेका ने यहाँ बुलाया, यहाँ पे हमने गाना रिकॉर्ड कराया। उसके बाद एक पिक्चर है 2M8 लोखंड वाला, तो उसमें दो सिंगर जो नागालैंड आइडल जो होता है वहाँ के जो विनर्स थे, उन दोनों को यहाँ बुला के हमने ये गाना रिकॉर्ड कराया। उसके बाद इस पिक्चर में NK नागा हैं, उसको हमने गाना रिकॉर्ड कराया। तो वहाँ के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, मैडम उसको पुश करती है, और कोई वहाँ से बाहर से आता है तो नॉट ओनली फिल्म्स, अगर कोई इधर कोई किसी टाइप का भी हेल्प चाहिए, बिकॉज शी इज़ बेस्ड इन मुंबई, तो हम 10 साल से तो हम ये करते आ रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे कोई शूटिंग होने वाली रहती है, जैसे एक पिक्चर आई थी नानी तेरी मोरनी, शॉर्ट फिल्म थी बच्चों की, तो उसका पूरा प्रोडक्शन इन्होंने किया था। और जो बड़े बड़े जो अमेजन और ये सब के भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इनको पूछा जाता है कि भाई आप उधर कहाँ क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, डिस्टर्ब एरिया तो नहीं है, क्योंकि कई लोग के मन में ये रहता है कि यार वहाँ थोड़ा डिस्टर्ब एरिया। तो वो सब चीज़ें जो गलत फहमियाँ हैं, वो अगर कोई ऐसा बीच में एक आदमी रहे जो उस गैप को ब्रिज कर सके, तो शी इज़ डूइंग द परफेक्ट जॉब फॉर दैट। ये जैसे मैंने बोला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम इसको थिएटर में नहीं ले जाएंगे, हम इसको OTT रिलीज़ करेंगे। तो हमने ऑलरेडी पिचिंग शुरू कर दी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर में 10-15 जगह हमारी पिक्चर जो है इंटरनेशनल लेवल में भी जाएगी, और अच्छे चैनल्स में आपको दिखाई देगी। डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई मीन फ्रॉम द डे वांट। हम लोग ने जब भी प्लानिंग किया, जब मूवी के लिए प्लानिंग किया, मेरा हमेशा से टारगेट वही थे, क्योंकि हमंकस ऑफ टैलेंटेड वी हैव फ्रॉम आवर रीजन। स्पेशली मैं नागालैंड को फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर दे वॉन्ट टू कम टू मुंबई, लेकिन उन लोगों को इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं। सो वी यूजली एवरी ईयर, अभी 2 साल से तो कोविड का वजह से हम लोग ने वो नहीं किया है, बट अगेन कमिंग बैक टू दैट वेरी सुन। तो हम लोग वर्कशॉप करा के उन लोग को, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, ये सब लोग को हम लोग एक वर्कशॉप करा के हम लोग उन लोग को ही, जिन लोग को इंटरेस्टेड है उन लोग को हम लोग अपॉर्चुनिटीज दे दी। एंड ऑब्वियसली दे आर एनीबडी हु एवर वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी फ्रॉम आवर रीजन, दे आर ऑलवेज वेलकम। हम लोग का तरफ से हमेशा सपोर्ट रहता है ये उन लोग को, और इन फ्यूचर ऑल्सो दे आर ऑलवेज वेलकम।